जब आपका कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा हो और ज़्यादा मेहनत करने का भी दिल ना हो, और इस गर्मी के अंदर ये ज़बरदस्त सा फ्राई बैंगन का जो रायता है ये आपको मज़ा करा देगा। ये इतना टेस्टी है और बनाने में ये 10 से 15 मिनट में हो जाता है तैयार, इंतहाई टेस्टी है। और आप यकीन करें कि मेरी तरह आप इसको चमचों से ही खा जाएंगे, आपको चावल और रोटी पराठे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतना मज़ेदार बनता है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ये देखें जी, मैंने सिर्फ एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और एक मैंने बैंगन लिया है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो हमने आलू डालने हैं, ये मैंने गोल आलू, इनको ठंडे पानी के अंदर मैंने स्लाइस करके रख लिया है। आप ये देख लें कि आलू इतना बारीक होना चाहिए कि इसके अंदर से आपको अपनी उंगली आर पार नजर आनी चाहिए, मोटे आलू आपने नहीं काटने, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। मैंने लिया है अपना फ्राई पैन और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून मैंने डाला है घी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर जो है हम लोगों ने इन आलूओं को जो है कर लेना है फ्राई। फ्राई किस तरह का करना है, अब ये देखें, ये कांपते और डरते हुए आलू जो है वो बेचारे सारे फ्राई पैन में बैठ गए हैं, और जब तक इनके लाल गाल ना हो जाएं, इनके ऊपर कलर ना आ जाए, लालियां ना आ जाएं, आपने तब तक इसको नहीं निकालना। अच्छे से क्रिस्प करके आपने इन आलुओं को फ्राई करके बाहर निकाल लेना है अपने पैन के अंदर से, ठीक है। इसी तरह से दोनों बैजों को मैंने फ्राई करके तो हम इसको निकाल के रख लेंगे साइड पर, ठीक है। और इसका सारा ऑयल जो है एक साइड पर चला जाएगा, और इनको फ्राई करने के बाद आपने इनको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमने इसको रायता बनाना है तो ये गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक बैंगन लिया है, इसके भी आपने पतले स्लाइस काटने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, मोटे नहीं होने चाहिए। और बैंगन को पानी में नहीं काटना, और पहले काट के रखेंगे तो काले हो जाएंगे, तो आपने बस जैसे इनको फ्राई करना है 4-5 पीस काटे, उनको फ्राई करें, जब वो फ्राई हो जाए तो फिर दूसरे वाले कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, कोई भी आपने चीज आगे पीछे नहीं करनी, और एग्जैक्ट आप मेरी तरह बनाएंगे तो आपका भी ये रायता बहुत ही मजे का बनेगा, ठीक है। तो ये देखें हमने जो है उसी घी के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, और हमने इन प्यारे से बैंगनों को भी जो है वो अच्छे से कर लेना फ्राई। कलर इनके ऊपर अच्छा आना चाहिए, गोल्डन काले मुंह वाला, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसे खूबसूरत से कलर में नहीं आएंगे तो फिर हमारा जो रायता है ना उसका वो टेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने बैंगन को साथ साथ काटते जाना है, और हमारे ये प्यारे से बैंगन भी जो है, ये देखें, ये आलू और ये हमारे बैंगन जो है, ये दोनों जो है वो हो चुके हैं फ्राई, और इनको मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देख लें आपके इनको, ये आपने देखना इस तरह आपने इनको डार्क कलर करना है, क्योंकि ये डार्क कलर का जो एक क्रिस्पन और जो इसका जायका आएगा ना वो बहुत ही मजे का होगा, ठीक है। तो चले अब ये देखें, अब मैंने ली है आधा किलो दही, आधा किलो से भी आप इसको कम कर सकते हैं, 1.5 पाव कर लें, ठीक है। दही के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, दही आपका अच्छा गाढ़ा और मीठा होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा हो तो रायता बकवास बनेगा, और इसके अंदर अगर पानी हुआ तो भी आपकी दही की वजह से आपका रायता खराब हो जाएगा। अगर आपको घर में दही आ गया है, उसके अंदर पानी आ गया, तो आप उसको एक कपड़े के अंदर लपेट के थोड़ी देर छोड़ दें, सारा पानी उससे लैदा हो जाएगा, और फिर आप वो दही इस्तेमाल करें, ठीक है। मैंने इसके अंदर तकरीबन जनाब हाफ छोटा सा एक मुन्ना सा मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था, टमाटर जो है मैंने ये भी हाफ लिया था, और इसके मैंने बीज और पानी बिल्कुल अलहदा कर दिए थे और वो डाले। एक हरी मिर्च जो है वो भी आपकी चॉइस पर है, लेकिन इसके अंदर वो बहुत मजे की लगती है, ठीक है। तो ये देखें, ये सारी जो हमने सब्जियां हैं हमने डाल दी हैं, नमक डाला है मैंने इसके अंदर टीस्पून लेवल, ठीक है, आप ये भी अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लाल मिर्च जो है मैंने ली है 1/2 टीस्पून, मेरी मिर्चें ज़रा तेज़ वाली हैं, आप अपने हिसाब से इनको बनाकर देख लीजिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है जनाब चाट का मसाला, क्योंकि रायता है तो चटपटा सा इसका जो मज़ा और जायका बनेगा ना, आप बिलीव करें कि ये गर्मी के अंदर इतना मज़े का लगता है ना, ठंडा इसको खाना होता है, जब कोई कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है कुछ ठंडा खाना, तो फिर आप उसको ये बना के खिलाएं और ख़ुद खाएँ। और अब ये देखें हमारे पास ये जो ज़बरदस्त हमारे बैंगन और आलू पड़े हुए हैं, इनकी हम लगाएंगे तह बर तह, और ये रायता आप साइड डिश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी सालन कर ना पकाओ तो ए सारे नू रोटी खवाओ तो सारे नू आ जाएगा मज़ा, ठीक है। अब ये देखें, मैंने सारों को पहले तरतीब से बिठाया, फिर मैंने इन सारों की लड़ाई करवा दी, ठीक है। अब इन सबको हमने इस दही के साथ हमने अच्छे से करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर खूबसूरत सा जो है वो हम डालेंगे धनिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा रायता जो है वो बनकर कितना खूबसूरत हो गया, लेकिन आप अभी अब रुकें, क्योंकि अभी इसका फाइनल टच जो है वो बाकी है, और वो टच जो है वो ही सारी इसकी गेम उठाएगा और वही आपको मजा कराएगा। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है इसके अंदर घी, और नॉर्मल घी को हमने तड़काना है। मैंने ये 4 से 5 जवे लिए हैं लहसुन के, आप चाहें तो उसको अदरक का भी लगा सकते हैं, लेकिन लहसुन का जो जायका है वो मुझे ज़्यादा फ्राई लहसुन का जायका ज़्यादा पसंद है। आपने इसको गोल्डन कलर का करना है, ठीक है, ज़्यादा कच्चा कच्चा नहीं रखना है, इसको गोल्डन क्रिस्प कर लेना है। इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने लाल मिर्च डाली है दड़ा, और मैंने डाला है चाट मसाला।
तो मिक्स करके ये देखें जी, जबरदस्त सा ये जो तड़का है हमारे रायते को गया है लग, और जो इसकी इस टाइम खुशबू और इसका जायका है आप सोच नहीं सकते कि ये बहुत ही मजे का है। आप लोग इसको आज ही बनाकर ट्राई करिएगा, आप लोग इसको चमचों से खा जाएंगे, यकीन करें ये बचेगा नहीं है आपके पास। वीडियो यहां तक देखी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये इतनी सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग हमें एक लाइक तो कर सकते हैं ना। तो चले, ये थी मेरी आज की कोशिश, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आप इसको खा के बनाकर मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कि आप लोगों का रायता कैसा बना है। सारे स्टेप्स को आप अगर सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें कि दही में से जरा भी पानी नहीं निकलेगा, ये एक दिन के बाद भी इतना ही गाढ़ा थिक रहेगा और दही से पानी बिल्कुल भी अलहदा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है और आजमाई हुई बात है। अब बोल दो ये रात तक बचेगा ही नहीं, ठीक है, पहले तो बात यहां पर खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।